हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल टॉक विद वर्षा। सो टुडे टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ब्लड वेसल्स। व्हाट इज ब्लड वेसल्स एवरीवन? द ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है, क्या फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का? सो ब्लड वेसल्स एक टाइप का नेटवर्क होता है, ठीक है, एक टाइप का नेटवर्क होता है जो हमारी पूरी होल बॉडी में स्प्रेड होता है, मतलब एक टाइप का बिछा हुआ होता है, नेटवर्क होता है। ओके, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है एंड ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही कंपोनेंट होता है। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम में टू पॉइंट्स आते हैं, एक होता है हार्ट एंड सेकेंड होता है ब्लड वेसल्स। सो ये हमारी बॉडी, ये भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को। सो द बेसिक फंक्शन इज ब्लड वेसल्स हूज ट्रांसमिशन इज ऑल्सो ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को। सो बेसिक फंक्शन ब्लड वेसल्स का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन भी किसका? ब्लड वेसल्स का। सो ब्लड वेसल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ओके, दिस वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दे ऑल्सो टेक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज। ओके, सो ये वेसल्स ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। सो ब्लड के थ्रू ये टिश्यूज तक ब्लड सेल्स कैरी करती है। क्या करती है? ब्लड सेल्स कैरी करती है। ब्लड सेल्स जैसे कि RBC, WBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है एंड ये टिश्यूज तक एंड ऑक्सीजन को कैरी करती है। ओके, कैरी करती है टिश्यूज एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ओके, दे ऑल्सो टेक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज। ओके, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को भी टिश्यूज से निकाल कर हमारे एक्सक्रियाटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी और लंग्स तक कैरी करता है, और लंग्स में ये गैसेस का एक्सक्रिएशन करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाय टेकिंग ब्लड लंग्स तक ले जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रियाट हो जाता है। ओके, सो इस टाइप से ब्लड न्यूट्रिएंट्स भी देता है टिश्यूज को, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करता है टिश्यूज से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, देयर आर मेन फाइव टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स एंड वेन्यूल्स। ओके, सो आर्टरी दैट इज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, स्मॉल आर्टरीज इज एन आर्टरियोल्स, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। ओके, आर्टरी क्या होती है? अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। और वेन्स क्या होती है? वेन्स जो दैट कैरी ब्लड अवे टूवर्ड द हार्ट। वेन है जो कि हार्ट से रिटर्न जाता है, वेन्स है जो हार्ट से रिटर्न जाता है। एंड आर्टरीज क्या करती है? कैरी करती है, और वेन क्या करती है? टूवर्ड्स जाती है। ओके, सो फर्स्ट वन इज आर्टरीज। सो आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड होता है? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, एंड वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बॉथ होता है। ओके, इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होता है। ओके, सो फर्स्ट आर्टरीज। ओके, द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ओके, इसमें हम देखेंगे आर्टरीज का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 4 मिलीमीटर होता है। ओके, आर्टरीज का डायमीटर कितना होता है? 4 मिलीमीटर्स होता है। एंड आर्टरियोल्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है, आर्टरियोल्स का 10 माइक्रोमीटर होता है। ओके, सो आर्टरीज बड़ी है डायमीटर में, एंड देन फर्दर इनकी ब्रांचेस में आर्टरियोल्स जिनका डायमीटर कम होता है। ओके, जिनका डायमीटर कम होता है आर्टरियोल्स का। ओके,
10 माइक्रोमीटर होता है आर्ट्रियोल्स का डायमीटर। सो आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके, अवे फ्रॉम द एरोटा। सो जो आर्टरीज है, ओके, जो आर्टरीज है वो एरोटा की ब्रांचेस है। ओके, एरोटा की ब्रांचेस है। ये हार्ट में देख सकते हैं सबसे बड़ी आर्टरीज है एरोटा। सो एरोटा की फर्दर ब्रांचेस क्या होती है? आर्टरीज। सो आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स दूर लेके जाना, मीन्स हार्ट से उसको दूर लेके जाना पूरी बॉडी में, होल बॉडी में फ्रॉम द एरोटा। सो एरोटा का डायमीटर सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है, दैट इज 25 mm। ओके, दैट इज 25 mm, 25 mm, ओके, माइक्रोमीटर। ओके, सो इनकी जो वॉल्स होती है ना, इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है वेन की, क्योंकि हार्ट से जो डायरेक्ट ब्लड निकल रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है। ओके, क्या होता है? बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है। सो वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है तो वो ब्लड को विदस्टैंड करने के लिए जो आर्टरीज है उनकी जो वॉल्स है वो बहुत थिक होती है। ओके, सो जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जैसे एरोटा, ओके, जो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द एरोटा, ओके, एंड देन आर्टरीज इनका जो, इनमें जो इलास्टिक टिश्यू है वॉल्स में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल्स। ओके, एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल्स इलास्टिक टिश्यू इनमें इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हाई प्रेशर से हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है उसकी वजह से जो एरोटा है वो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच हो सकता है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेच हो सकता है। इलास्टिसिटी उसमें क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग होती है। सो इसीलिए उसको विदस्टैंड करने के लिए वो प्रेशर ऑफ ब्लड आ रहा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच होता है। ओके, इसलिए इनके पास इलास्टिसिटी टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं और स्मूथ मसल्स कम होती है। और जैसे जैसे आगे ये और ब्रांचेस होती जाएगी, वैसे जैसे एरोटा से आर्टरीज और एरोटा में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी टिश्यूज होगा, देन आर्टरीज में उससे कम और आर्टरियोल्स में सबसे कम। ओके, सो आर्टरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि आर्टरियोल्स है वो हमारे टिश्यूज तक कैरी करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं, एंड देन फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ओके, सो जो ब्लड फ्लो है, इनमें जो ब्लड फ्लो है वही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनकी वॉल्स को। ओके, इसीलिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो हमारे आर्टरियोल्स की वजह से ही होता है। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ओके, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। नाउ द आर्टरीज आर मेड ऑफ विच वॉल्स एंड हाउ मेनी लेयर्स ऑफ टिश्यूज आर मेड? ओके, सो द वॉल ऑफ एन आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 3 layers। ओके, सो फर्स्ट वन इज आउटर मोस्ट लेयर। ओके, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ओके, ट्यूनिका एडवेंटिसिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, सो आउटर लेयर है उसमें क्या होता है? वो फाइबर टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ओके, एंड इसमें क्या होता है? ट्यूनिका एडवेंटिसिया में कॉलेजन फाइबर्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसको? ब्लड वेसल्स को। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्लड वेसल्स को। ओके, गाइस, यू कैन सी हियर, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके, दिस इज आउटर लेयर ऑफ द वॉल्स। ओके, दैट इज प्रोटेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड देन सेकेंड वन इज मिडिल लेयर। ओके, मिडिल लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। ओके, दैट इज मिडिल लेयर ऑफ द वॉल्स। ओके, दैट इज मिडिल लेयर ऑफ वॉल्स। ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है एंड सो ये रेगुलेट होती है किससे?
किससे रेगुलेट होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये रेगुलेट होती है, जो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ओके, सो ये जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको रेगुलेट करता है, जो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। सो लास्ट वन इज ट्यूनिका, जो हमारा है इनर लेयर। ओके, और सबसे इनर लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एंटीमा। सबसे इनर लेयर होती है जो कि स्क्वायमस एपिथीलियम सेल से बनी हुई होती है। ओके, स्क्वायमस एपिथीलियम सेल से बनी हुई होती है, और इसको वो हम बोलते हैं इंडोथीलियम, जो सबसे इनर लेयर होती है। ओके, ये क्या होता है? टिश्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन विथ इलास्टिक फाइबर्स। ओके, सो दिस इज थ्री लेयर्स ऑफ द वॉल्स। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, एंड लास्ट इनर लेयर ऑफ द वॉल्स ट्यूनिका एंटीमा। ओके, सो नेक्स्ट वन कैपिलरीज। व्हाट इज कैपिलरीज? Capillaries, the smallest and most numerous of the blood vessels, form the connection between the vessels that carry blood away from the heart, arteries and vessels that return blood off to the heart veins. Okay, so capillaries क्या होता है? Capillaries इनका जो diameter होता है कितना होता है? 5 to 8 micrometer होता है। और ये 5 to 8 micrometer होता है। So arterioles break up into the minute vessels called capillaries. Okay, so जो arterioles है वो further branches में convert होती है। Okay, further branches में convert होती है and break up होती है। Okay, और ये branches बहुत ही माइनट होती है, मीन्स बहुत ही स्मॉल होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। ओके, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज सेल। सो जो कैपिलरीज है वो टिश्यूज तक जाती है, टिश्यूज तक जाती है, टिश्यूज में न्यूट्रिएंट को लेकर जाती है। सो कैपिलरीज लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। ओके, ये कैपिलरीज में और इसमें वन टाइम में वन आरबीसीज ही पास होते हैं। ओके, आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स। ये कैपिलरीज और इसमें वन टाइम में ही आरबीसीज पास होते हैं। इस तरीके से जो रो में चलते हैं, चल रहे होंगे, मतलब जैसे ऐसे, दिस टाइप, इस टाइप से। सो ये दिस इज आरबीसी। ओके, तो इस टाइप से रो में चल रहे होंगे, ना कि बीच में आके वो अपना फ्लो करेंगे, ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हुए कैपिलरीज से ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इस टाइप से ये एक आरबीसी ही इसमें कैरी करता है, ओवरलैप नहीं होता। ओके, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक आरबीसी ही ट्रेवल कर सकता है, ये इतनी थिन होती है। ओके, सो ये जो कैपिलरीज है वो टिश्यूज तक जाती है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या वो कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में एक ही होता है। सो जो कैपिलरीज में ब्लड है और टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, वो कैपिलरीज के थ्रू ही हो रहा है। ओके, कैपिलरीज के थ्रू ही हो रहा है, और इसको कैपिलरीज बेड में ही बोलते हैं, कैपिलरीज को हम बाद में बोलते हैं। ओके, सो दिस डायग्राम ऑफ कैपिलरीज। सो लास्ट वन इज वेन्स। ओके, वेन्स का डायमीटर कितना होता है? 5 micrometer ऑफ वेन्स, एंड वेन्यूल्स का 20 micrometer होता है। ओके, 5 micrometer डायमीटर किसका होता है? वेन का, और वेन्यूल्स का 20 micrometer होता है। ओके, और वेनस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ओके, वेन्स में क्या होता है? वेनस सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। और सबसे पहले एरोटा से आर्टरीज निकलती है, और आर्टरीज से आर्टरियोल्स निकलते हैं, आर्टरियोल्स कैपिलरीज निकलते हैं, और कैपिलरीज किस में मिलती है? वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स वेन में मिलती है, एंड देन वेन्स वेन्स में वो इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा हार्ट में जाकर मिलती है। ओके, कैपिलरीज से वेनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है,
हमने पढ़ा था जिसमें आर्टरीज है उसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर से आता है, जबकि वेन्स है उनमें ब्लड लो प्रेशर में आता है। ओके सो जो वेन होती है उन वो थिन होती है। ओके इसकी जो वॉल होती है वो भी थिन होती है आर्टरी से। ओके सो दैट इज ब्लड वेसल्स। ओके सो गाइज आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।